छात्र ठगी के तमाम हथकंडे अपनाते हैं, बैंक कर्मचारी बंद कर गत्ता कारोबारी के पास फोन करते हैं, बातों में उलझाते हैं, दो कर्मचारी घर पहुंचते हैं, चंद लोन दिलवाने की बात कहकर कागजात लेते हैं, मैजिक पेंसिल को कैंसिल करते हैं, एक दो दिन बाद ऑनलाइन बात करते करते 6 लाख से अधिक की नकदी बैंक से निकाल लेते हैं। यदि आपके पास मोबाइल फोन पर कॉल आता है, आपको बिजनेस के लिए मकान बनाने के लिए लोन की आवश्यकता है, आप झांसे में ना फंसें। हो सकता है कि बैंक कर्मचारी और अधिकारी बनकर सातिर आपको कॉल कर रहे हो। गत्ता व्यापारी अनिल कुमार जैन के साथ ऐसा ही हुआ। कुछ ही दिनों में लाखों रुपए की नकदी खाते से गायब कर दी, जबकि उन्हें लोन की आवश्यकता थी। लोन मिला नहीं, बल्कि जो नकदी उनके पास थी उसको भी गायब कर दी। बैंक कर्मचारी बनकर बाग फरजाना के रहने वाले अनिल जैन के खाते से 6,20,000 रुपए की नकदी निकाल ली। गत्ता कारोबारी अनिल जैन को लोन की आवश्यकता थी। सातिर फोन करते हैं और लोन की डिमांड करते हैं, बातों में उलझाते हैं, दो कर्मचारियों को घर पर भेजते हैं, आईडी दिखाते हैं और डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं। एक दो दिन बाद ऑनलाइन बात कराने के नाम पर देखते ही देखते खाते से नकदी निकाल लेते हैं। ऐसा बताया गया है, सातरों ने मैजिक पेन का इस्तेमाल किया। इन लोगों का अचानक एक फ़ोन आना शुरू हुआ कि लोन की आप अप टू डेट पैकर से बोल रहे हैं, अनिल कुमार जैन बोल रहे हैं, मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि आपको लोन की आवश्यकता है। मैंने कि है तो है, लेकिन हम लोग आपसे बैंक में आके मिल लेंगे जब भी है। बोला ऐसा है कि कोई बात नहीं, बैंक में मिल लेना, आप हमें अपना पैन कार्ड भेज दो व्हाट्सएप पर, तो हम देख लें आपका लोन हो ही पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो मैंने पैन कार्ड की फ़ोटो कॉपी, मतलब फ़ोटो इनको खींच के भेज दी। फ़ोन आया शाम को कि सर आपकी सिविल में तो कोई दिक्कत नहीं है, लोन हो जाएगा, हम आपको 30 लाख का लोन तक करा सकते हैं। मैंने ठीक है, नहीं फिर भी मैं बैंक में आके मिलूँगा आपसे, उसके बाद ही आपसे आगे की बात हो गई। बोले कि ठीक है, बैंक में बात हो जाएगी, लेकिन थोड़े से कागजात दे दो तो मैं ये पता कर लूँ कि आपका लोन बैलेंस शीट वगैरह से हो पाएगा कि नहीं। फिर उन्होंने कागज बोले मेरे एक आदमी आएंगे दो, आप उनकी आईडी देखना, उसके बाद उनको कागज देना। इस संबंध में थाना छत्ता में मुकदमा दर्ज कराया गया, पुलिस और सर्विलांस की टीम जुटी और 4 सातिर गिरफ्तार कर लिए। अशोक कुमार को गिरफ्तार किया गया है, अनिल को पकड़ा गया है, कमल और देवेन पकड़े गए। अशोक दिल्ली का रहने वाला है, अनिल गाजियाबाद का रहने वाला है, कमल भी गाजियाबाद का रहने वाला, जबकि देवेंद्र गुरुग्राम हरियाणा का है। दिनांक 9/8/2022 को थाना छत्ता पर अनिल कुमार जैन नामक व्यक्ति के द्वारा एक तहरीर दी गई और बताया गया कि उनके साथ फर्जीवाड़ा हुआ है और 6,20,000 उनके बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट से निकाल लिए गए हैं। इस पे मुकदमा पंजीकृत कर थाना छत्ता की पुलिस टीम लगातार लगी रही और जो पूरा डिटेल पता किया गया उसके मुताबिक कुछ इस प्रकार निकल कर आया कि इनके पास जो वादी थे उनके पास दो व्यक्ति आए थे जो अपने आप को ICICI बैंक का एम्प्लॉई बता रहे थे और उन्होंने लोन दिलाने के नाम पे इनसे सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट किए थे और साथ में कैंसिल चेक कलेक्ट किए थे। पुलिस ने जब जांच पड़ताल स्टार्ट की तो उन्हीं कैंसिल चेक में से एक चेक से पैसा निकला था और उसके बाद पुलिस जो भी साक्ष्य मिले सर्विलांस के माध्यम से और फुटेज के माध्यम से उनका अवलोकन कर पुलिस अपराधियों तक पहुंची और अपराधियों को गिरफ्तार की। और जो 4 अपराधी गिरफ्तार किए गए उनका नाम है अशोक शर्मा पुत्र गोपाल दत्त जो कि बुराड़ी न्यू दिल्ली के रहने वाले हैं, कमल शर्मा पुत्र सुशील कुमार जो मोदी नगर गाज़ियाबाद के रहने वाले हैं, अनिल कुमार पुत्र राजकुमार जो गाज़ियाबाद के रहने वाले हैं और देवेंद्र सिंह पुत्र सुरेंद्र सिंह ये गुरुग्राम हरियाणा के रहने वाले हैं। इन सातरों के पास से 6 लाख से अधिक की नकदी पुलिस ने बरामद की, साथ में कार और 4 मोबाइल फोन और चेक भी बरामद किए। सातरों ने मैजिक पेन से चेक को कैंसिल किया था, मैजिक पेन कुछ दिन बाद साफ हो जाता है। अपने पेन से चेक को कैंसिल किया और अनिल जैन के पेन से असली साइन करा दिया। इसके बाद थाना छत्ता क्षेत्र स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा से नकदी निकाली। इन चारों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और इनके पास से पैसे की बरामदगी की गई। जो कुल बरामदगी है वो 6,01,010 रुपये हैं और उसके साथ जो कार DL HCS 1488 जो कि इस फ्रॉड में प्रयुक्त में लाई गई थी वो भी पुलिस ने बरामद किया है। 4 टच मोबाइल बरामद किया है और कुछ कागजात बरामद किए गए हैं। और इनसे जब पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया
कि ये ICICI बैंक के एम्प्लॉई बनकर इनके पास आए थे इनको लोन देने के लिए और इनके पूरे प्रॉपर्टी का और इनके हैसियत का जांच करने के लिए। जांच करने के दरमियान इन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए और इनसे 3 चेक भी लिए बैंक ऑफ बड़ौदा के और 3 चेक यस बैंक के लिए। इन सातरों का आपराधिक इतिहास भी सामने है। ये सातर कई लोगों को शिकार बना चुके। इन सातरों के खिलाफ आगरा से पहले अलीगढ़, मीरठ, दिल्ली में मुकदमा दर्ज है। ऐसा माना जा रहा है कि ये सातर कई और लोगों को भी अपना शिकार बना चुके। इन्होंने क्या किया था, जो चेक इन्होंने लिया था उसमें जो कैंसिल लिखने का जो शब्द है वो कैंसिल एक मैजिक पेन से लिखा गया था, बाकी जो वादी का जो ओरिजिनल साइन है वो एक डिफरेंट पेन से बनाया गया था। और जो कैंसिल लिखा गया था मैजिक पेन से वो कुछ दिन बाद वो मिट स्वतः मिट जाता है और फिर उसको ओरिजिनल चेक की तरह बैंक में यूज़ करके पैसे निकाले गए थे। और ये लोग के खिलाफ हमें सभी साक्ष्य मिले हैं, उसके आधार पर इनको गिरफ्तार कर और जेल भेजा जा रहा है। हाँ, इनका आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने आया है। इनमें कुछ के ऊपर 4 मुकदमे, कुछ के ऊपर 3 मुकदमे हैं और सभी ऐसे ही फ्रॉड के मुकदमे हैं। गत्ता व्यापारी अनिल जैन और उनकी पत्नी हेमा जैन को इस बात का विश्वास नहीं था कि उनके पैसे वापस लौटे। कारोबार को बढ़ाने के लिए लोन लेना चाहते थे लेकिन उल्टा खाते के पैसे निकाले। पुलिस ने सातरों को ढूंढ निकाला और लगभग पूरी नकदी बरामद भी की। यही वजह है अनिल जैन और उनकी पत्नी हेमा जैन परिवार के अन्य लोग पुलिस को धन्यवाद दे रहे। नहीं, मुझे नहीं थी उम्मीद। और कभी मैं कभी पुलिस थाने कभी कहीं गई ऐसे गई नहीं हूँ। आप भी समझ सकते हो हम तो पुलिस के नाम से ही घबरा जाते हैं। पर बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जो भी मैं इनके साथ घूमी वो सब ने बहुत अच्छे से वेलकम किया और कहा कि आप लोग कहाँ भागोगे, आप सीनियर सिटीज़न हो। और सब ने हमारी बहुत मदद की, सब ने हमें गाइडलाइन दी, आप वहाँ जाओ, आप ऐसे कर लो, आप ऐसे कर लो। सबसे बड़ी बात है कि मैं मतलब ये जो 25 दिन में जो मैं घूमी हूँ सबका व्यवहार बहुत अच्छा था हमारे साथ। ऐसे अक्सर फोन आते हैं आपको लोन की आवश्यकता है, इन्हीं बातों में सातर उलझा लेते हैं और हथकंडे अपना शिकार बनाए। ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। गनीमत यह रही कि समय रहते पुलिस एक्शन में आ गई, पुलिस ने कार्रवाई की और गत्ता व्यापारी अनिल कुमार जैन की नकदी बरामद कर ली। 4 सातर गिरफ्तार किए गए जो अलग अलग जिलों के रहने वाले। ऐसा बताया गया ये सातर कई जिलों में वारदात को अंजाम दे चुके हैं। माना यहाँ तक जा रहा है ये लंबे समय से लोन के नाम से लोगों को ठग रहे थे। अनिल कुमार जैन और उनकी पत्नी हेमा जैन को विश्वास नहीं था कि उनकी नकदी वापस मिल जाएगी, लेकिन नकदी जब वापस मिली तो चेहरे पर खुशी अलग थी, अलग चमक चेहरे पर दिखाई दे रही थी और मुंह से पुलिस के लिए धन्यवाद निकल रहा था। अपने साथी अखिल दुबे के साथ राकेश कनौजिया, सी न्यूज़, आगरा।